Hey guys, how are you all? स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है ये है राहुल सिंह चौहान जी। 527वीं रैंक इन्होंने हासिल की है RSM SSB LDC एग्जाम के अंदर। आइए मिलते हैं इनसे, रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस एग्जाम में और इनके इनके एक्सपीरियंस से हम कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं राहुल जी से। राहुल जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, कैसा आपका जिला है, एजुकेशन का बैकग्राउंड कैसा है, कैसा माहौल है वहाँ पे, सब कुछ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। ये दौसा जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, ओके। राजस्थान के से। और मेरा वर्तमान पोस्टिंग उदयपुर में है, ओके। बहुत उदयपुर जिले की नगरी में। अच्छे। और पारिवारिक पृष्ठभूमि का ये है कि मेरे मदर फादर और मैं, हम तीन ही हैं, सिस्टर हैं, सिस्टर की शादी हो गई है। ओके और पृष्ठभूमि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके और मेरे मदर हैंडीकैप्टेड हैं, ओके आंगनवाड़ी में वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनसे मैंने संघर्ष करना सीखा। बहुत अच्छे। और फादर मेरे फार्मर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे पूरा पढ़ाया। कहाँ और तक पढ़ाई की है राहुल जी? हाँ, मैंने वेट वेट जी बताइए। मैंने बीकॉम और एमकॉम किया है और नॉन कॉलेज किया है। मैं जॉब करता था उस टाइम। ओके। हाँ, आप बता रहे थे कि बहुत चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए, बिकॉज होता है ना कि एक तरफ आप जॉब कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपको एग्जाम निकालना है, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है क्योंकि जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी नहीं बिल्कुल हो पाती। एक एक चैलेंज रहता है यार, जॉब छोड़ दी अपन ने, घर का खर्चा कैसे चलेगा, नौकरी नहीं मिली सरकारी तो क्या होगा। कहाँ तक पढ़ाई की है बिल्कुल आपने और प्रारंभिक जो शिक्षा थी किस मीडियम में हुई है, कैसा एजुकेशन का माहौल था, कैसे मतलब आपने संघर्ष किया और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे, कुछ एलिब्रेट कीजिए। जी। मेरा हिंदी मीडियम में ही पूरा एकेडमिक हुआ है ओके और मैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ता था। वेरी गुड। हाँ जी 11th और 12th मैंने सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से किए हैं। और कॉलेज मैंने नॉन कॉलेज किए हैं, मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों। ओके और स्टडी की बात करूं तो मैं विवेक जी स्टडी में था, बिल्कुल आप टॉपर नहीं कह सकते एकेडमी में मेरे को। एकेडमिक में मैं सेकेंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन, यानी 50 से 60% के बीच में रहा एम कॉम तक। तो फैमिली उसके बाद बैकग्राउंड भी, इनसे मेरे को संघर्ष करना मैंने वहाँ सीखा। तो मेरा बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी, मैं प्राइवेट जॉब करता था। तो मेरे सिस्टर की शादी के बाद मुझे मोटिवेशन मिला मेरे जीजा जी से। तो उन्होंने कहा कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा और उन्होंने फिर मेरा जॉब छुड़वाया, प्राइवेट जॉब। मैं मेडिकल में MR था, वेटनरी में। तो हाँ मैंने जॉब छोड़ के और फिर मैंने स्टडी चालू की। तो उस टाइम एक डर हमेशा जो रोज सोते टाइम और सुबह उठते टाइम सताता था कि अगर जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। बिल्कुल तो ये वाला डर मेरा सबसे बड़ा गुरु रहा पूरे संघर्ष। सही है। तो मैं उसके बाद मैंने कोचिंग नहीं किया, कोचिंग नहीं किया है, मैंने सेल्फ तैयारी की घर से ही। और साथ साथ एक्चुअली मैंने RAS के लिए प्रिपेयर शुरू किया था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। ओके उसमें मैंने 2016 वाला प्रीलिम्स क्लियर था मेरा। और मैंने मेंस 2016 वाला दिया, उसमें मेंस में मैं नहीं हो पाया। 2018 वाला RAS प्रीलिम्स फिर से दिया था मैंने, वो भी मेरा क्लियर हुआ है। और 2018 वाला मेंस भी मैंने दिया है। इसी बीच जॉब सिक्योरिटी के लिए मैंने कई सारे एग्जाम दिए। तो अब ये LDC के लिए फिर 2018 वाले RAS में और LDC में से मेरे को एक चूज करना था। तो मैंने जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि एज बढ़ती जा रही थी, आपको पता है लड़कों में कितना जॉब सिक्योरिटी का प्रेशर रहता बिल्कुल 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 है। तो फिर मैंने तैयारी इसकी LDC को प्रिपेयर करके, मैंने कहा LDC की तैयारी ये सोच के की। तो उसके बाद हो गया, मेरा रिटर्न हो गया।
और रिटर्न में मेरे 139 मार्क्स थे एलडीसी में। और फिर मैंने टाइपिंग के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, यहाँ मैं लकी रहा थोड़ा सा। रीजन मैं गया एक कंप्यूटर शॉप पे काम करने लगा था, ओके मैं कंप्यूटर शॉप पे काम करने लगा था अभी तो। उसके बाद मैंने खुद का मेरा ई मित्रा सेंटर भी एक छोटा सा खोल लिया था एंटरप्रेन्योर, तो उसमें मैंने प्रैक्टिस की। और यहाँ मैंने कोचिंग की जगह मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट से जो उनके हिंदी टाइपिंग वाला जो मैटर होता है जी वो मैं उनसे कलेक्ट करता था और मैं उसको टाइप करके उनको सेल करता था, एज ए बिजनेस कह सकते हैं। तो मेरा बिजनेस भी रहा प्लस तैयारी टाइपिंग गुड की, तो ऐसा करके मेरा टाइपिंग अच्छा हुआ। और टाइपिंग में मैंने 96.8 मार्क्स प्राप्त बहुत बहुत अच्छा स्कोर किया हंड्रेड। आपने रिटर्न के अंदर भी और टाइपिंग के अंदर भी, बहुत अच्छा स्कोर। रिटर्न में तो जनरली कई लोगों के अच्छे अच्छे स्कोर आए हैं, लेकिन मेन चीज टाइपिंग है। कई लोग रिटर्न में अच्छा लाके भी टाइपिंग में अच्छा नहीं लेके पाए, इस वजह से उनकी रैंक जो है पीछे आई है, पिछड़ चुके हैं, ये चीज है। जी जी बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत सारा संघर्ष रहता है, बहुत सारी चुनौतियां रहती है हमारे सामने जब हम पढ़ाई करने निकलते हैं। जैसे आप बता रहे हैं, अभी वर्तमान में आपकी एज क्या है? आप जैसे बोल रहे हैं कि सर एज हो रही होती है, वर्तमान एज क्या है? ये मेरी 26 एज है 26 वर्तमान। तो ज्यादा नहीं है वैसे, बट फिर भी हाँ चलो एक जी जॉब हाथ में है तो आगे और छक्के चौके लगा सकते हैं हम, है ना? सेंचुरी लगा दी हमने, अब जी जी फ्री हो चुके, टीम बिल्कुल का जो है बोझ नहीं है हमारे ऊपर, अब छक्के चौके लगा सकते हैं, ये चीज है। जी। अभी तक जॉब सिक्योरिटी के लिए जी रहे थे, अब अपने ड्रीम के लिए जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे क्या स्टडी बात, आज भी मेरा ड्रीम होने नहीं देता है। क्या आज भी मेरा सपना मुझे सोने नहीं देता है, क्या रात को बात, मैं डेली 2-3 घंटे पढ़ के ही सो पाता हूँ, अच्छी नींद तो भी आती है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सच में बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड। शादीवादी हो गई आपकी? नहीं अभी शादी मैंने की नहीं है ड्रीम ड्रीम पहले है ना? सही जी। बिल्कुल बात। बिल्कुल राहुल जी मुझे एक चीज बताइए कि जैसे कि होता है कि कई बार एग्जाम हॉल के अंदर हम जाते हैं तो एक अजीब सा प्रेशर होता है, फर्स्ट फर्स्ट बार जो व्यक्ति एग्जाम दे रहा होता है तो एक अजीब सा प्रेशर होता है, और उनके ऊपर तो खासकर प्रेशर होता है जो मतलब जिनके ऊपर दोहरा प्रेशर हो कि यार एक तो जॉब भी छोड़ दी मैंने और इधर पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जा सकता है और एग्जाम की इस प्रिपरेशन की सही रणनीति क्या है, जी। देखो नोट्स कैसे बनाए? देखो मेरा मानना ये है कि जो आप बोल रहे हो डबल प्रेशर, तो ये मैंने फेस किया है। बिल्कुल एग्जाम देने जाता था तो वहाँ डर ये रहता था कि बिल्कुल कहीं ये एग्जाम हाथ से ना निकल जाए, तो बिल्कुल इस डर के साथ एग्जाम इसको मेंटेन करने के लिए मैंने ये किया कि जी मैंने पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में टेस्ट सीरीज, मैंने कोचिंग नहीं लिया, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ओके कोशिश। ओके जी तो उससे क्या है कि एग्जाम हॉल में कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो टेस्ट सीरीज करवाते हैं, बिल्कुल तो वहां पे एग्जाम जैसा माहौल मिल जाता है और फिर वो मार्क्स वगैरह भी वैसे देते हैं, तो वहां से तो वो प्रेशर मेरा मेंटेन हुआ। जी और इसके अलावा एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे ही रखना। एग्जाम में देखो नेगेटिव मार्किंग में जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ह्यूमन एरर की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। बिल्कुल सही बात है हमें पता रहता है कि हमको ऑप्शन बी जो है वो गोला करना है, लेकिन अपन करते करते उसको सी कर देते हैं या ए कर देते हैं, तो ये ह्यूमन एरर से। तो अगर मैं मानता हूँ एक या दो क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो मतलब आत्म को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये ह्यूमेनिटी है अपने आप में, जी 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 क्योंकि बिल्कुल ये इंसान का स्वभाव है, ये होता ही है, इसको रोक भी नहीं सकते। बिल्कुल सही है सही है। जी तो इसको तो ऐसे मेंटेन किया। और टाइपिंग आप जो कह रहे हैं डर, टाइपिंग में बहुत ज्यादा डर बिल्कुल, आता है। टाइपिंग में क्या होता है, एक तो वो काउंट डाउन चलता रहता है सामने, और आवाज बिल्कुल आती खट 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 खट, उल्टी गिनती खट खट पूरे हॉल में, तो वहां पे फिर बीपी ऊपर नीचे होता है ना, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। जी तो वहां पे ये मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ हुआ ये कि जो इंग्लिश टाइपिंग थी मेरी, इंग्लिश में स्पीड अच्छी थी, तो इंग्लिश टाइपिंग में लास्ट वाला जो स्क्रॉल करना होता है, तो स्क्रॉल में मैंने लास्ट वाला स्क्रॉल करके और दो लाइन की जिनको डबल बार टाइप कर दिया, मतलब स्क्रॉल करने के बाद वापस उसी लाइन को मैंने टाइप, ओके तो वहां पे फिर क्योंकि मेरी इंग्लिश में स्पीड अच्छी थी
तो मैंने उसको टाइम देखा, टाइम खूब आ रहा था मेरे पास, तो फिर मैंने उनको वर्ड्स को काउंट किया कि कितने अक्षर गलत हो गए, तो करीब 20 से 22 वर्ड्स थे जो गलत हो रहे थे, तो मैंने उनको फटाफट अगले 20 वर्ड काउंट करके उसको छोड़ के, ताकि वो मेंटेन हो जाए, उसको छोड़ कर उसके बाद की टाइपिंग चालू की। जी तो डर मेरे को रिजल्ट तक सता रहा था कि कहीं एग्जाम आज से नहीं निकल गया, बहुत बहुत लेकिन मतलब फिर जब बिल्कुल सही बता जी रहे हो आप। जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, जितने लोगों से मैंने बात की है, उनका सिर्फ यही कहना था कि सर टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत की थी हमने, और जो वो खटखट वाली आवाज है, एक व्यक्ति बोल रहा था जैसे चद्दर होता है टिन शेड, उसके ऊपर ओले गिरते हैं ना, वैसी आवाज आती है खटखट खटखट, तो बहुत डिमोटिवेटिंग आवाज हाँ होती है। वो बिल्कुल उंगलियां बिल्कुल चलना चाहती है लेकिन रुक जाती है, मतलब हवा में चलती रहती है, दबती नहीं है, बटन नहीं दबते, रुक जाए ये प्रॉब्लम आती है, तो बहुत मुश्किल होती बिल्कुल। है। और एक्चुअली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, कई कई सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम के पूरी रात भर पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, क्योंकि जो एग्जाम था ना दो शिफ्ट में था, 3-3 घंटे की दो शिफ्ट जी थी, बीच में शायद एक 2 घंटे का ब्रेक ब्रेक था, तो तीन जी तीन घंटे का गैप था। तो कई लोगों ने बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया कि रात भर सोए नहीं, तो 1-2 घंटे की नींद ली, तो इस वजह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनसे गलत हो गए जो उनको साफ साफ आते थे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, बिल्कुल और बहुत बड़ा गेप बिल्कुल क्रिएट कर दिया उस चीज में। तो सबसे पहली चीज बिल्कुल मैं भी अपनी एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति एग्जाम देने जा रहा है पहले तो अच्छे से नींद ले, जी क्योंकि अगर आप प्रेशर में हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, सोच एक्स्ट्रा नहीं नहीं सोच पाओगे, जो आता है वो भी भूल जाओगे, तो ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो गर्म इंजन वाली मशीन है वो बिल्कुल जल्दी खराब होती। बिल्कुल बिल्कुल, जोश नहीं दिखाना वहां पर, होश में रहना पूरा, जोश तैयारी करते वक्त दिखाओ, ठीक है, वहां होश में रहो, ये चीज है। बिल्कुल वो जैसा कि आजकल IPL चल रहा है, तो मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि अगर लंबी पारी खेलनी है तो हमको सिंगल पे ज्यादा फोकस करना बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल हम बिल्कुल बार बार चौके छक्के उड़ाते हैं तो आउट होने का खतरा रहता बिल्कुल सही बात, है। जी बिल्कुल सही बात। राहुल जी और कुछ ऐड करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस में कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, नोट्स आपने बनाए हैं, किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कुछ बताइए। जी देखिए, राजस्थान GK के लिए मैं आपको सबसे पहले बुक्स बताना चाहूंगा कि जी राजस्थान के एग्जाम्स के लिए मैंने जो बुक्स पढ़ी वो इसको राजस्थान को दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक तो आर्ट एंड कल्चर वाला बिल्कुल जी और एक है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने लक्ष्य राजस्थान को पढ़ा, लक्ष्य राजस्थान भाग 1, और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने राज पैनोरमा को पढ़ा है, जो मेरे RAS मेंस तक भी इनफ रही है, सफिशियंट रही है। बिल्कुल बिल्कुल और इसके अलावा जो मैथ की बात करूँ तो मैथ आपको पता है LDC या पटवारी जैसे सभी एग्जाम में मैथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बिल्कुल इन एग्जामों के लिए। तो मैथ के लिए मैंने अलग ही मार्केट में कई सारे नाम से बुक चल रही है, तो उनको उन बुक्स से इतना ज्यादा कवर नहीं हो पाता जितना मैंने 10th की जो अपने राजस्थान बोर्ड की एग्जाम की बुक है, तो उस बुक से मैंने मैथ को प्रिपेयर किया, तो वो मैथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ सभी स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए। ओके जी और उसमें भी मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि अपने जो पहली प्रश्नावली है 10वीं कक्षा की वो है वैदिक गणित, वैदिक मैथ, जी जिसको जी हम सब भूल चुके हैं, बिल्कुल तो हम लोग वहां देखते हैं कि वो सिलेबस में ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग सिलेबस में नहीं है, जबकि वो काम आती है दूसरी जगह, उसमें शॉर्ट ट्रिक दिए हुए हैं, वैदिक बिल्कुल मैथ में शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल तो मैं मानता हूँ उसको पढ़ना चाहिए पहली प्रश्नावली, उसको बहुत अच्छे से जिसकी तैयार हो गई तो एग्जाम में फास्टली परफॉर्म कर पाएगा मैथ के क्वेश्चन। सही बात है और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में मैं मानता हूँ देखिए सभी बुक में रूल सेम है, इंग्लिश के रूल सेम है ग्रामर के, तो इंग्लिश में वो बुक हमको लेनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स हो, लाइक दैट अरिहंत है या फिर लूसेंट है या फिर किसी भी, आप नेट से भी आजकल एग्जाम्पल मिल जाते हैं, बिल्कुल कुछ सही जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर हम बुक ही खरीद, हर आदमी बुक खरीद भी नहीं पाता है। और एक जो इस बार सबसे बड़ा चैलेंज आपने देखा होगा एग्जाम में, साइंस वाला, कि साइंस के स्टूडेंट साइंस को गलत करके, सही बात है तो साइंस के लिए बुक है तो ऑथेंटिक बुक, साइंस के लिए तो जो बड़े बड़े ग्रंथ आते हैं दुनिया भर के उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। आप देखो कि जो बड़े बड़े ग्रंथ और MSc मैथ्स या फिजिक्स वाले लोग
नहीं उन क्वेश्चन को गलत कर गए हैं जो बेसिक्स होंगे, बिल्कुल बिल्कुल और बाद में वो खुद बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे पर्सनली लोगों ने बोला है कि हम मैथ क्या हम साइंस बैकग्राउंड से थे और हमारा साइंस बेकार, एलडीसी की बात करें बिल्कुल सही बात है। तो उसमें भी अपने एनसीईआरटी को भी एक बार ढंग से रिवाइज कर लेना जरूरी है बिल्कुल बाकी बुक की। बिल्कुल बिल्कुल और हिंदी के लिए एग्जाम्पल्स, हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल्स मायने रखते हैं, रूल्स वही हैं सब, सही बात है। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को, कोई सी भी बुक हो, मैं पर्टिकुलर बुक का नाम भी नहीं लेना चाहता, कोई सी भी बुक हो सभी बुक्स अच्छी हैं क्योंकि रूल्स तो वही है। सही बात है। जी। और नोट्स की बात यह है कि नोट्स अपने शब्दों में बनाए जाते हैं, जी अपन दूसरों के नोट्स को पढ़ पाएंगे तो वो समझ, जरूरी नहीं है कि समझ जाए, मैं तो सब बिल्कुल अपनी इसको लैंग्वेज फॉलो में नहीं बनाए। करता, ना ही किसी को बोलता हूँ कि मार्केट में जो नोट्स मिलते हैं उनको ले आओ आप उनसे पढ़ लो। नहीं, मेरा क्या तरीका है, या देखो जी सही तरीका क्या होता है, आप खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है, एक बुक पूरी पढ़ लो, उसमें जो छोटा है वो जो बाहर से नोट्स लाए हो उससे कवर करो, आपके नोट्स में वो चीज ऐड करो कि क्या छूटा हुआ, वो सही तरीका होता है। आप उसको लेके बैठ बिल्कुल गए, बस उन्होंने अपने तरीके से बताया है, उसका मेथड आपको पता नहीं, बस वो जो लिखा हुआ है वो पता है, तो वो काम हेल्प नहीं करेगा आपको, ये चीज है। सही है। मैंने इस जगह ऐसा किया था कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने की जगह मैं पहले पेंसिल लेके बैठा था बुक पढ़ने, हाँ तो मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगता था उसको बुक में नोटबुक में नोट करने की जगह मैंने उसको वहीं अंडरलाइन कर दिया। जी तो फिर सेकंड टाइम जब हम रिवीजन करते हैं तो मैंने फिर उनको अंडरलाइन को ज्यादा फोकस किया, तो उन्होंने एज ए नोट्स काम करता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात, यहाँ पे ज्यादा नोट्स बनाना कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल लेकिन हाँ जैसे कई आंकड़े हैं जैसे राजस्थान की पर्वत चोटियों का क्रम हुआ या फिर ऐसी चीजें, तो उसको अपने एक प्लेन पेपर पे लिख के और दीवार पे टंगा दें तो 2-3 बार हम आते जाते उसको देखेंगे ना तो वो याद हो जाते सही बात है, हैं, बिल्कुल फिर 5 दिन बाद उस पेपर को वापस चेंज करके कुछ नई चीज डाल, बिल्कुल बिल्कुल ये क्या, ये टाइम बचा देता है अपना, सही बात है। ये मुझे लगा। राहुल जी बहुत बहुत मजा है आपके साथ बात करने में, अगली कड़ी में हम जानेंगे कि जी एग्जाम का पैटर्न कैसा था, कहाँ से हमको तैयारी करनी चाहिए, टाइपिंग हमको कैसे सीखनी चाहिए, सारी चीजें हम पूछेंगे। ओके, तो मिलते हैं राहुल जी से नेक्स्ट कड़ी के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक धन्यवाद आप सभी को कि आप हमारे साथ बने रहे, और धन्यवाद राहुल जी आपको भी कि आप हमारे साथ बने रहे। जी जी मिलते हैं आपसे अगली जी बार, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू।